इधर बच्चों के लिए दूध बन गया है बोनीटा। ये देखिए ये पड़ा है बोनीटा, मैंने तो बहुत पिया जब छोटी थी, आप सब लोगों ने भी पिया ही होगा जो जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, इंडिया में पले बढ़े हैं ना, बोनवीटा तो उन्होंने ज़रूर पिया होगा। बोनवीटा और एक आता था कॉम्प्लान, तो यार बहुत पीते थे ये वाला। मैं तो ऐसे ही चम्मच भर के ना ऐसे ही खा जाती थी इसको, बहुत ज़्यादा लाइक करते थे हम भी। ये देखिए ये रिद्धिमा ने वही कैप पहनी है जो मैं लेके नहीं आई थी उस दिन, आर लिखा हुआ था इसके ऊपर, तो वो वाली है। कितनी अच्छी लग रही है रिद्धू, बहुत अच्छी लग रही है ये। तो अभी इनको मैं उठा रही थी, आजकल ये उठते नहीं जल्दी, इनको फिर ऊपर बेड पे दूध देने गई, फिर मैंने कहा भाई दूध पियो और उठो भाई, और ये देखो दोनों आपस में लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को मुंह देख रहे हैं कि पहले वो उठे पहले वो उठे। व्हाट यू डूइंग, तो ये देखो आज ये है गाड़ियों की हालत गाइस। तो पहले ऊपर से शीशे को साफ कर, पानी पानी गिरा के कर दे बेटा, पानी से कर दे, पानी डाल दे दीमा, सारी अपने आप मेल्ट हो जाएगी, उस तरफ से डाल। या दैट्स गुड, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है जब स्नो पड़ती है ना, तो फिर हमें सारा गाड़ियों को रेडी करके लेके जाना पड़ता है। चल अब उसके साथ कर, वाइपर के साथ, फिर अदर साइड्स पे जो दूसरे हैं विंडो साइड्स। ये देखिए जा रहे हमारी रोड, बीच में बारिश पड़ रही है शायद इस वजह से थोड़ी मेल्ट हो रही है स्नो। ये है मेरी छोटी सी कार, मैं ये वाली ज़्यादा चलाती हूँ, वैसे तो मैं ये भी चला लेती हूँ लेकिन ज़्यादा यही चलाती हूँ। रिद्धिमा इट्स फाइन, डोंट बदर अबाउट इट, ओनली द ग्लासेस यू नीड टू क्लीन। या फ्रॉम द टॉप दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, आई थिंक इट्स स्टिल स्नोवी। रास्ते में ये देखिए कितनी स्नो पड़ी थी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, दोपहर के बज गए हैं एक और मैं अभी नहा के आई हूँ और सारा काम करके और अभी नहाई और अभी मैं ठाकुर जी को भोग लगाने लगी थी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और ये हमारे ठाकुर जी, ये है मूंगफली और इसको मैं अब खाने लगी हूँ। मेरे को ना सर्दियों में मूंगफली खाने का बहुत मज़ा आता है, वैसे तो मैं गर्मियों में भी खाती रहती हूँ, ये मेरी बहुत ही फेवरेट है गाइस, मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ मूंगफली खाना, और स्पेशली जब बाहर पड़ी हो स्नो और मौसम हो ठंड का, तो कौन है जो मूंगफली नहीं खाना चाहेगा। तो आ जाओ आप भी मेरे साथ, ट्राई इट। हेलो, कैसे हो जी आप सब लोग, बज गए हैं दोपहर के नियरली 1:45 और आज मैं बनाने वाली हूँ हलवा, आटे का हलवा, वही जो मिक्स आटा होता है उसके साथ बनाऊंगी। और ये है ये वाला मैं घी यूज करती हूँ, पतंजलि का होता है ये, तो लाइक ये खाने में भी बहुत स्वाद होता है ना, तो लेके आती थी पहले मैं दूसरा भी, जैसे वो टिक्कियां लेके आते हैं हम बटर की, तो वो लाके बनाती थे, लेकिन फिर मेरे को वही लगा कि बहुत झंझट होता है, तो फिर मैं यही उतने का ही, अभी तो सब चीज एक्सपेंसिव हो गई है, लाइक इंग्लैंड में हर चीज महंगी हो गई है, तो मेरे को ये लगता है कि फिर यही ठीक है ना, अगर मैं 20-25 पाउंड की बटर की टिक्कियां लेके आऊंगी, फिर घर आके उसको
उसके ऊपर वर्कआउट करूंगी, बर्तन धोऊंगी ढेर, है ना। तो मेरे को लगता है दिस इज द इजिएस्ट वन, जस्ट बाई इट एंड यूज इट। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है देसी घी, ये कुछ 2 कड़छी के करीब घी होगा। तो उसके बाद हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी बेसन, और बाकी मैं इसके अंदर डालूंगी मल्टी ग्रेन वाला जो होता है फ्लावर, ठीक है। और ये इसमें मैंने डाल दिया है बेसन, तो ये है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के अराउंड मल्टीग्रेन फ्लावर, ठीक है जी। तो ये बहुत हो जाएगा हमारे घर के लिए। तो अब मैं इसको भूनूंगी। तो मैं एक बात बताती हूँ आपको, मैं स्ट्रेट वे ना जो सीधा घी नहीं डाल देती हूँ, क्योंकि मैं जैसे इसमें कुछ इतनी खास मेजरमेंट नहीं करती हूँ। हर घर में हर लेडीज को हलवा बनाना आता ही है, ठीक है ना। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं सबको ये रेसिपी बताऊं कि आपको कैसे बनाना चाहिए हलवा। हम इंडियंस का तो कहते ये हलवा तो ये सब चीज़ें होगी, हलवा पूरी ये सब, ये तो हम लोगों का ट्रेडिशनल फूड है। तो एवरीबडी नोज व्हाट इज़ द मेजरमेंट फॉर दिस। बस ये है कि मैंने इसमें एक तो मल्टी ग्रेन जो फ्लावर होता है वो, और उसमें 1 कटोरी के करीब मैंने इसमें नियरली डाल दिया है बेसन। और अब जैसे जैसे मैं इसको भूनती जाऊंगी ना, जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि घी कम है तो मैं थोड़ा घी और डाल दूंगी। एकदम से मैं ज़्यादा घी नहीं डालती हूँ, वो इसलिए क्योंकि फिर मेरे को ये लगता है कि ज़्यादा घी नहीं डालना चाहिए, टू मच भी, है ना। तो मैं ऐसे अंदाजे के साथ थोड़ा थोड़ा घी डालती रहूंगी साथ में। ये देखो मैंने अभी थोड़ा और डाल दिया, तो फिर इससे थोड़ा ये है कि पता लगता रहता है, ठीक है ना। तो ये अभी डाल दिया इसमें मैंने घी, और अब हम इसको भूनेंगे। तो ये लीजिए आटा, और वो जो मैंने बेसन वगैरह वो सब डाला था ना, वो सब ऑलमोस्ट भून गया है। मैं थोड़ा रेड रेड रखती हूँ, क्योंकि फिर वो जब हम इसमें पानी डालते हैं नहीं तो फिर वो वाइट वाइट सा रह जाता है। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भून लेती हूँ इसको, और केटल में मैंने पानी गर्म कर लिया हुआ है। इसके अंदर मैं डालूँगी ब्राउन शुगर, और साथ साथ में हम इसके अंदर डालेंगे पानी, और साथ के साथ ही इसको घुमाएंगे। अगर नहीं घुमाएंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छा इसका जो है ना मिक्सचर वो बन गया, घी बिल्कुल रिलीज हो गया, ऊपर ऊपर आ गया। ये देखो घी इसने छोड़ दिया हुआ अपना, तो ऊपर ऊपर घी आ गया, ये पतला पतला सा हो गया। ये देखो इसका रंग कितना प्यारा आ गया, ब्राउन ब्राउन सा। और ये अब जब हम ब्राउन शुगर डाल के हलवा बनाते हैं ना, वैसे तो मेरे पास गुड़ ख़त्म हुआ, मैं आपको बताया था। जब गुड़ होता है ना तो फिर मैं गुड़ वाला ही हलवा बनाती हूँ। शुगर को हम बहुत अवॉइड करते हैं, लाइक हमारी यही कोशिश होती है कि हर चीज़ हम शक्कर या गुड़ में बनाएं और शुगर को थोड़ा कम यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी शुगर, अगेन विद द एस्टिमेट। मेरे को अंदाजे से ही काम करने में मज़ा आता है, लेकिन अगर लाइक हाँ जैसे बिगनर्स होते हैं जो लोग पहली बार ही बना रहे हैं, जैसे किसी को रेसिपी चाहिए तो वो मैं एक बार ऐसे जैसे अकॉर्डिंग टू पूरा रेशियो के साथ भी बता सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन फिलहाल तो मैंने ऐसे ही बनाया है ना गाइस। तो वैसे तो आपकी क्या कहते हैं इसकी ना जो फाइनल लुक आएगी ना वो दिखाऊंगी आपको, एडिंग द वॉटर इनसाइड। तो मैंने बड़ी कढ़ाई इसलिए ली है, तो इसमें ना फिर अच्छे से लग जाता है, ये जैसे हम कहते खोंचा मारना इसको, तो वो अच्छे से एकदम इसको बंदा बना सकता है। देखिए मैं आपको थोड़ा कम दिख रही हूँ, मेरे को पता है, पर थोड़ा पानी कम था, थोड़ा और डाला है। हम बनाएंगे हलवा और लगाएंगे अपने ठाकुर जी को भोग, तो ठाकुर जी प्यार से खाएंगे हलवा,
और बरकत डाले ठाकुर जी जिस भंडारे में से ये हलवा बना है, भगवान सबके घर में बरकत डाले यार, सबके भंडारे भर के रखे भगवान। तो लो जी ये बन गया हमारा ब्यूटीफुल सा बेसन और मल्टीग्रेन आटे का हलवा, विच इज़ वेरी हेल्दी टू ईट इस सर्दी में। जैसे आप इसको खाओ, उसे किसी को कोल्ड भी है, ठंड लग गई है, बच्चे ठीक नहीं है ना, अगर आप उनको ये वाला हलवा बना के खिलाओगे ना तो उससे थोड़ा बहुत उनको रिलीफ मिलेगा और चेस्ट वेस्ट सब क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ऊपर से थोड़ा चाय वाय पी लो बस। लो जी बन गया एकदम से गुरुद्वारे वाला कड़ा प्रसाद। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी ग्रीन टी और ये बैठे हैं हमारे, से हेलो। बस तो बच्चे आ गए हैं, इन्होंने अपना खा पी लिया जो खाना था और उसके बाद अभी ये अपना टीवी एंजॉय कर रहे हैं। तो जी बज गए हैं 6:30 और अभी मेरा हो गया है डिनर टाइम। ये है मेरा डिनर टाइम एक्चुअली में। तो इस टाइम पे मैं गाइस जैसे कभी कभी सूप या कुछ सैलड्स वगैरह अपने लिए बनाती हूँ। इसमें मैंने ये देखो बीट रूट है और थोड़ा रेड अनियन है और इसके अंदर मैं थोड़ी सी डालूँगी ग्रीन चिली और मेरा एक सूप है वो रेडी सूप होता है वो डाल के और उसमें मैं ये सब चीज़ें मिक्स करके और फिर वो वाला सूप अपना पीऊँगी क्योंकि अब मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और टाइम हो गया डिनर का मेरा। तो इस तरह से करके मैं थोड़ा अपना डाइट का ध्यान रख रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। वो जो सूप होता है ना उसमें लाइक मिक्स वेजिटेबल्स वाला वगैरह होती हैं उसमें, लेकिन मैं ऊपर से ये टॉपिंग कर लेती थोड़ा क्रंची करने के लिए ना उसको, मेरे मुंह में जैसे आता है ना मेरे को क्रंच अच्छा लगता है कच्ची सब्जियों का सैलड्स का। तो ये मैंने अभी इसमें इसमें ना थोड़े छोटे से नूडल्स भी होते हैं, हाँ कम होते हैं लेकिन होते हैं। इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे हम, बहुत जल्दी बन जाता है, पानी भी गर्म था। जैसे ये मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर क्रश करके, ब्लैक पेपर नहीं है एक्चुअली, मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया था, इसमें ना मिक्स पेपर्स हैं, वाइट पेपर हो गए, रेड वाले, ब्लैक, ब्राउन, सब मिक्स होती हैं। तो अभी मैं गैस बंद कर दूँगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे को इसको बॉयल करने की, इट्स ऑलमोस्ट डन। ये डाल के और इसके ऊपर डालूँगी हिमालयन सॉल्ट, वो भी क्रश करके ही डालना है, मैं टू मच सॉल्ट नहीं डालती। दैट्स इट, इसको मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी, जैसे फिर ये धीरे धीरे अपने आप में अब्सॉर्ब कर लेंगे नूडल्स जो होते हैं पानी को, हो गया। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये वाली सैलड्स जो मैंने काटी हैं, जस्ट अनियन, ग्रीन चिली एंड बीट रूट, ये तीन चीज़ें आज मैं डिफरेंट डिफरेंट डाल लेती हूँ हर रोज़, कभी क्यूकम्बर डाल लिया और ये सैलड इसमें डाल के और इसको मज़े से खाने वाली हूँ मैं अब। वाओ ये देखो इसका रंग भी चेंज हो जाएगा, लग रही है ना मज़ेदार से दिखने में। तो गाइज मैंने अपना सूप पी लिया था और उसके बाद सबको डिनर बना के दे दिया था, मैंने सब्जी बनाई हुई थी गाजर आलू मटर की, इसके साथ सबको खाना दे दिया था और उसके बाद हम सब लोग सो गए जाके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।